इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि शार्क मर्डर केस, जो कि गोलत का एक मर्डर केस मिस्ट्री जो बनी हुई थी, आज मेंढर पुलिस ने उसको सॉल्व कर दिया है। वो केस सॉल्व हो चुका है और आज एसडीपीओ मेंढर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ठीक एक हफ्ते के भीतर जो है वो केस सॉल्व कर लिया गया है। स्टोरी यूं थी कि शारक अहमद, जिनकी उम्र 14 वर्ष थी और 10वीं क्लास में वो पढ़ते थे, पानी के टैंक से उनका जो उनकी लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद उनको पूरे रीति रिवाज के साथ दफन किया गया था और परिवार की तरफ से जिला विकास आयुक्त यानी DDC पुंछ को आगे अपील की गई थी कि हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और DDC पुंछ के ऑर्डर पर एक टीम का गठन किया गया, एक सिट बनाई गई थी और ठीक 100 दिनों के बाद उसकी कब्र से उसका शव निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करने के बाद आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, यानी पोस्टमार्टम के बाद आज ठीक 7 दिन के अंदर पुलिस ने इस मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था, वो आरोपी जो था, वो जो मुजरिम था, वो और कोई नहीं, वो उसी शारक का जो जीजा था। और आपको बता दें कि उस जीजे ने जो है शारक की हत्या की थी, यानी उसका मर्डर किया था, ये आज स्पष्ट साफ तौर पर जो है वो सामने आ चुका है। अब सोर्सों की अगर माने तो सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है कि कुछ जमीनी मामला था या कोई घर की कोई लड़ाई के कारण जो है उसको शारक की हत्या की गई। हत्या इतनी भयंकर तरीके से हत्या की गई कि उसको मारने के बाद जो है पानी के टैंक के बीच में फेंक दिया गया। और इस बात की जानकारी जो पुष्टि की है वो SDPO मेंढर ज़ाहिर जाफरी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर बताया है कि ये मर्डर मिस्ट्री जो है वो आज सॉल्व कर दी गई है। आइए सुनते हैं कि SDPO मेंढर ज़ाहिर जाफरी का क्या कहना है। 8 जून को शारिक नाम का एक बच्चा जो गोल्ड का रहने वाला था, उसको जब किसी तालाब में डूबा हुआ पाया गया तो कुछ लोगों ने बगैर पोस्टमार्टम के उसको दफन कर दिया। और पूरे 3 महीने के बाद उसके माँ बाप ने मुझे अप्रोच की कि ये हमारा मर्डर हुआ है। और आज तक कुछ लोग जो हैं वो कचहरी और जिरगा करने में मसरूफ रहे कि हम पूरी बिरादरी और गांव वालों को कचहरी जिरगा, जो कानून बिल्कुल गलत है, वो उन्होंने फंसाए रखा माँ बाप को। जब माँ बाप हमारे पास आए तो हमने एक सीनियर ऑफिसर्स की हदायत पर उसकी बॉडी को एग्ज्यूम करवाया, उस टेक्निकल एनालिसिस किया गया और पुलिस के प्रोफेशनल टीम ने मेहनत करके इस मर्डर को सॉल्व किया और मेन अक्यूज्ड को अरेस्ट कर दिया गया है। जो 174 की कार्रवाई थी वो मुकम्मल होगी और 302 का पर्चा लग गया है। क्या इसमें कोई और भी मुलव्वस हो सकता है? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी। इसमें जो जो भी सामने आएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। और लोगों से ये गुजारिश मैं करूँगा कि ऐसे केसेस में जहाँ पर मर्डर होता है वहाँ ये कचहरी और जिरगा नहीं चलता है। आप पुलिस पर एतमाद कीजिए, इस काम के लिए पुलिस को गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो बेहतर नतीजे ही सामने आएंगे। तो मैन अक्यूज्ड है, इसका ये क्या नाम है, कहाँ कर रही है? मैन अक्यूज्ड जो है वो कासम नाम का है, उनके घर के पास ही रहता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी भी जो उसमें इन्वॉल्व होंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आते रहेंगे। क्या शर्क का ये जो कासम है इसके कोई रिलेशन भी था? हाँ, वो उसका ब्रदर इन लॉ है। अब क्या सर्कमस्टेंसेस बने होंगे इसके मर्डर के, वो तो इन्वेस्टिगेशन है। अभी तो ये हमने मेन अक्यूज जो है अरेस्ट किया है। आपने साफ तौर पर सुना कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जो मर्डर मिस्ट्री थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब SDPO मेंढर ने बताया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार को आज इंसाफ जो है वो मिल गया है शारक की मौत का। और शारक अहमद की मौत जो है वो एक निर्मम हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं कि एक मासूम उस छोटे बच्चे का क्या कसूर था, उसको मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया। अब देखना यह है कि कानून इस पर किस प्रकार के आगे जो है वो अपनी जो है वो कानून
कानून सजा देता है और क्या आगे का मैटर है। और आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Hello everyone, good afternoon. Myself Aliza Fatima Khan. I am from Jammu and Kashmir. My district name is Poonch Tehsil Mender. My village is Keri Gruta. So I choose KLM International School because first thing is discipline. We all know that discipline is most important thing in everyone's life. So we KLMites always follow discipline. Second thing is principal ma'am and our staff members. My principal ma'am is treat me like a daughter. My staff members is very intelligent. So I feel family here every time. Also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा, नो फेक प्रॉमिस। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे तीन चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM International की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही। फॉर एडमिशन्स फ्रॉम नर्सरी टू प्लस टू ऑल स्ट्रीम्स काइंडली कॉन्टेक्ट 9216504779 एंड 9216505779।